ମମତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଉ। ସାର୍ କିଆ ବୋଲେଙ୍ଗେ ଯୋ ଆପ ନୋଟିସ୍ ବୋଲେ ହେଁ, ନୋଟିସ୍ ମେ ଆପ ତ ଜବାବ ମାଙ୍ଗେ ହେଁ, ଲେକିନ୍ ଆପ ଟାଇମଲାଇନ୍ କୁଛ ଫିକ୍ସ କିଏ ଉସମେ? देखिए, हमको एक शिकायत एक कलिंगा राइट्स फोरम नाम के एक्टिविस्ट ग्रुप से प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि एक टीचर की हत्या कर दी गई इसलिए क्योंकि वो बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के कुछ मामलों की खिलाफत कर रही थी और उसकी जांच की जानी चाहिए। हमको जो शिकायत मिली उसमें शिकायतकर्ता ने ये एलिगेशन भी लगाया है कि इस मामले में उड़ीसा सरकार के दो मंत्रियों के भी हाथ होने की संभावना है, क्योंकि बड़े रैम्पेंटली वो उस स्कूल में आया जाया करते थे और स्कूल के प्रबंधक से उनकी दोस्ती है। इसलिए हमने बालंगीर के एसपी को ये नोटिस किया है और उनसे 5 दिन के अंदर रिपोर्ट आहूत की है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करके हमको रिपोर्ट दें। अगर हमको रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो हम अगला कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। तो लगभग सर 3 दिन हो चुका है आप जो एक्शन रिपोर्ट मांगे हैं, तो उनकी तरफ से कोई मैसेज अभी तक सर आपको? नहीं, अभी तो हमारी टाइमलाइन पूरी नहीं हुई है, अभी तक तो हमको कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं मिली है। अगर नहीं मिलेगी तो हम अपनी टीम भेजेंगे। मैं आपके माध्यम से केवल मुख्यमंत्री महोदय उड़ीसा से ये कहना चाहूँगा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो, ये सुनिश्चित करने के लिए अगर वो अपने इन दागी मंत्री अन आरोपित मंत्रियों से अगर वो इस्तीफा ले लेंगे तो हम बच्चों को न्याय दिलाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। जो पोक्सो एक्ट की बात की गई है सर, आप पहले भी ऐसे कई घटना हो चुके हैं, परी हत्याकांड हुआ था उसमें भी आप नोटिस किए थे, पुराने घटना भी ऐसे कई बार हो चुका है, लेकिन उसमें ना न्याय की जांच जो होता है SIT जो बनता है उसमें ऊपर भी आरोप लगाते हैं परिवार वाले ने, लेकिन एक्चुअल जो कन्विक्ट है वो उनको सजा नहीं। देखिए, सेक्सुअल अब्यूज की घटनाओं को लेकर के खासतौर पर उड़ीसा में और जहाँ पे इस तरीके के प्रभावशाली लोग जो सरकार के साथ शामिल हैं वो इन घटनाओं में शामिल हो जाते हैं, तब वहाँ पे निस्संदेह निष्पक्ष जांच की अपेक्षा नहीं की जा पा रही है। और हमने पहले पहले जिस एक घटना की आपने जिक्र की उसमें भी हमने CBI इन्वेस्टिगेशन डिमांड किया था, जो राज्य सरकार ने नहीं करवाने की तरफ आगे काम किया। अब मामला न्यायालय में है, इसी प्रकार की ये घटना भी हमको दिखती है जिसमें सरकार का रवैया हमको यथेष्ट सख्त नहीं दिखता। तो NCPCR की तरफ से और अगला कार्रवाई क्या हो सकता है अगर 5 दिन में? हम टीम भेजेंगे अपनी और हम खुद इंक्वायर करेंगे। थैंक यू सर। आपण शुणुले प्रियंका आनंदू जे कि कहले जदि जवाब न आसो तेज खूब शीघ्र से एक टीम पठेबे एवं से निजे निज तरफ इनिशिएटिव नहीं ये घटनार पूरा जांच करिया पर्यंत से आगक लड़े जारी रखे। जमी परी हत्याकांड आम देखल NCPCR CBI डिमांड करते जहाँ को राज्य सरकार खंडन करते तेणु सीधा कथा जो ना कह आसी तेणु से मंत्रिमंडल बरखास्त कर पीड़ित परिवार पर कौन प्रेसर जाए सृष्टि न हो तेरे आगामी दिन में NCPCR कौन स्टेप नौची तापर निश्चित भाव समस्त नजर रही। नुआ दिल्ली कैमरा पर्सन नीरज सत्यगवान अरगस न्यूज।